जय माता दी। मित्रों, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज फेसबुक में देख रहे हैं तो भी मेरे चैनल एस्ट्रो आज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आज के राशिफल के बारे में, यानी 28 जनवरी 2022 शुक्रवार के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आज के पंचांग के ऊपर नज़र डालते हैं। आज जो है ज्येष्ठा मूल दोनों ही नक्षत्र रहेंगे। मूल नक्षत्र को गण मूल की संज्ञा दी जाती है, यानी कि मूल नक्षत्र में जो भी जातक और जातिकाएँ पैदा होते हैं वो गण मूल में होते हैं, उसकी पूजा पाठ करानी आवश्यक होती है। तिथि की बात करें तो आज एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि का समागम है। साथ ही साथ चंद्रमा अगर देखा जाए तो सुबह 29 तारीख यानी कल सुबह 29 तारीख को 5:07 तक वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। फिर कल सुबह 5:07 के बाद वो धनु राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार से आज का शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। आज जो है अभिजीत मुहूर्त, जिसको शुभ कहा जाता है, जिसमें कोई भी काम, आप पैसे का लेन देन, किसी को कोई बयाना देना है, तो आज के दिन अभिजीत मुहूर्त में आप आंखें बंद करके कर सकते हैं, यानी कि उसमें कोई मुहूर्त का विचार नहीं किया जाता। दोपहर में 12:17 से लेकर 1:01 तक अभिजीत मुहूर्त है। आज का जो राहु काल की बात करें तो दोपहर में 11:17 से लेकर दिन में 12:40 तक राहु काल रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। अब अभिजीत मुहूर्त और राहु काल हमेशा एक टाइम पे भी आ जाता है, तो आपको जैसे आज हमने अभिजीत मुहूर्त बताया है और राहु काल भी आपको बताया, तो आपको उन दोनों का जो शेष टाइम है उसी में शुभ काम करना, ये याद रखिएगा। चलिए आज के राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि की बात करें तो कर्म क्षेत्र के अंदर लाभ और उन्नति होने की संभावनाएं बन रही है। मन भी आज के दिन मेष राशि वालों का प्रसन्न रहेगा। सकारात्मक विचारों का आगमन आपके अंदर रहेगा। विरोधी से आप सावधान रहे। आज के दिन कुछ लोग आपसे चिढ़ के, जल के आपकी गलत बात भी अफवाह में उड़ाएंगे, लेकिन उन पे आपको फ़र्क नहीं करना है। साथ ही साथ आज शुगर के रोगी को सचेत रहना है। खासकर मीठा आज के दिन नहीं खाना है, ये याद रखिएगा। समय पे आपको दवा आज के दिन लेनी है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ आज के दिन आप बड़ों से या उच्च अधिकारी से अपने जीवन की कोई बात, कोई गुप्त बात उनके सामने रखने वाले हैं, ऐसा योग बन रहा है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। आज के दिन आप अपनी भीतर की कमियों को पहचानने की कोशिश करेंगे, यानी आपके अंदर अब ख्याल आएगा कि मेरा उन्नति क्यों नहीं हो रही, और आप अपनी कमियों को कहीं ना कहीं गिनेंगे। उन्हें स्वयं दूर करने का भी आज के दिन आप प्रयास कर सकते हैं। कुल मिला के खुद को निखारने की आपको आवश्यकता रहेगी आज के दिन। भावनाओं को सही दिशा प्रदान आज के दिन आपको करना है। गलत भावनाओं को मन में नहीं आने देना है। साथ ही साथ व्यापार, ऑफिस में कामकाज का बोझ भी आप पे बना रहेगा। साथ ही साथ आजीविका में जितना समय देने की आवश्यकता है उतना समय आपको देना चाहिए। साथ ही साथ जल्द ही उन्नति के आपके योग भी बन सकते हैं। तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए सीखने वाला रहेगा, मंथन करने वाला रहेगा। इसी प्रकार से मिथुन राशि की बात करें, आज के दिन मिथुन राशि वालों के सभी प्रकार के मानसिक तनाव से मुक्ति होने के योग नजर आ रहे हैं, और काम अधिक होने के कारण आज आपको देर तक ऑफिस में बैठना पड़ सकता है, जिसके कारण रात को थोड़ी थकावट आपके अंदर होगी, थोड़ा लो आज के दिन आप फील करने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग नई नौकरी तलाश रहे हैं उनको आज अच्छे काम मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत में सुस्ती महसूस आज के दिन आप करने वाले हैं, और थोड़ी सी कमजोरी भी आज के दिन आप महसूस कर सकते हैं। कर्क राशि की अगर बात करें, आज के दिन हर काम को आपको महत्व देना है। जो भी काम आपके हाथ में आ जाए उसमें आनाकानी नहीं करनी है, अन्यथा आपको पछताना पड़ सकता है। ऑफिस में काम समय पे पूरा करें, और पूरा अपने आप को झोंकना है, कोई बहाना आज के दिन नहीं चलने वाला। युवा वर्ग काम में अड़िग रहें, साथ ही साथ पूरी मेहनत से काम को करते रहें।
अच्छे फल आपको जरूर मिलेंगे। साथ ही साथ खान पीन में और साफ सफाई पे आपको आज के दिन ध्यान देना है और नकारात्मक सोच को आपको हावी नहीं होने देना है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों का। तो आज के दिन सिंह राशि वालों को अपने काम को टाइम में करने का पूरी कोशिश करनी है। साथ ही साथ आपके द्वारा जो की गई मेहनत है, जो आज आप मेहनत करेंगे, उसका प्रतिफल आपको विगत आने वाले दिनों में मिल सकता है। आज के दिन कोशिश करें बॉस को इम्प्रेस करने की। यदि आज आप बॉस या उच्च अधिकारी को इम्प्रेस कर लेते हैं तो आपको यकीनन फायदा होगा। आज के दिन आपके यश वृद्धि के योग बने हुए हैं। साथ ही साथ घर में किसी विवाद को लेकर थोड़ी सी चिंता भी आज के दिन बढ़ सकती है, लेकिन क्रोध में आपको शांति बनाए रखनी है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आज के दिन आपको अपनी छवि को बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देना होगा। बिना सोचे समझे अपनी बात आज किसी को शेयर ना करें, अपनी भावनाएं व्यक्त ना करें। ऑफिस की गुप्त बातों को भी सहयोगी को आपको आज के दिन शेयर नहीं करना, नहीं तो बात लीक होगी और आपको लज्जा का सामना करना पड़ सकता है। बड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज मेहनत काम में अधिक करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उदर संबंधी परेशानी यानी पेट की समस्याएं, गैस की प्रॉब्लम आज के दिन होगी। मन आपका प्रसन्न रहने वाला है, यानी कि आज का दिन अच्छा है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए आज का दिन अगर देखा जाए तो मिला जुला रहेगा। जहाँ पर ऑफिस में आपको तारीफ मिलेगी, नए काम के लिए अप्रिसिएशन मिलेगी, जो काम आप ऑफिस में आपके लिए अच्छा रहेगा, वहीं घर के अंदर आपको टेंशन मिलेगी। बुजुर्गों से आज के दिन वाद विवाद होने की पूरी संभावना है, उससे आपको बचना पड़ेगा आज के दिन, याद रखिएगा। बाकी आप पूरा दिन अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि को आज के दिन संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। काम की आप आज के दिन प्लानिंग बनाने वाले हैं, वो भी खासकर घरेलू काम की आज के दिन प्लानिंग बनाने वाले हैं। साथ ही साथ युवाओं से वाद विवाद आज के दिन हो सकता है, तो इसलिए उनसे दूर रहें। धनु राशि की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तो बड़ी कंपनियां आपको बुलाएंगी, आपको ऑफर उनसे मिलेगा, या किसी बड़े व्यक्ति या उच्च अधिकारी के साथ में बैठकर कॉफ़ी चाय पीने का आज का दिन योग बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो कुछ समय परिजनों के साथ में बिताने का भी आपको मौका मिलेगा। इसी प्रकार से मकर राशि की अगर बात करें तो आज जो निर्णय लेने हैं, खासकर प्रॉपर्टी से संबंधित, निवेश से संबंधित, उस पर आपको सतर्कता बरतनी है। आज के दिन आपको किसी को धन उधार नहीं देना, याद रखिएगा। और साथ ही साथ किसी जानवर से आपको आज के दिन थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, इसलिए आज के दिन जानवरों से बिल्कुल ना उलझे, याद रखिएगा। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए बात करें तो आज का दिन मुनाफा अच्छा खासा रह सकता है। आज के दिन कोई डील आपकी हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें माता पिता की सेवा का भी आज के दिन आपको मौका मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के। तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। एक तो नई नौकरी की ज्वाइनिंग आज के दिन हो सकती है, या ईमेल के द्वारा आपको नई नौकरी का कोई सूचना आपको मिल सकती है। साथ ही साथ आज के दिन पुराने संस्थान में आप लेट हो सकते हैं, जिस कारण से, लापरवाही के कारण से, आज आपको बॉस की डांट का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको पेट संबंधी और पैर संबंधी कोई हल्की फुल्की चोट या हल्का फुल्की परेशानी रह सकती है। और आज के दिन आपको खान पान में सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी तामसिक भोजन और ऑयली भोजन नहीं करना है आज के दिन। मीन राशि की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बड़ा लकी साबित होगा। एक तो आपकी कई समस्याएं आज के दिन सॉल्व हो रही हैं, साथ ही साथ धन संबंधी या करियर से संबंधित चिंताएं आपकी दूर होगी। उच्च अधिकारी आपको कोई सांत्वना देने वाले हैं, कोई भरोसा आपके ऊपर जताने वाले हैं। साथ ही साथ परिवार में देखा जाए तो पार्टनर से भी अंडरस्टैंडिंग आज के दिन आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी दैनिक राशि फल के बारे में। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों।